पापा के साथ, और हम लोग अभी निकल रहे हैं, रूम देख सकते हैं, बैग वगैरह सब लोग रखी है, तो अभी आगरा में है, आगरा सीधा जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद सीधा बस पकड़ के सीधा बस से निकलेंगे फतेहपुर सीकरी के लिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा पेठा वगैरह के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग निकल रहे हैं फतेहपुर के लिए ना, तो इसके लिए हम लोग को पेठा यहीं से लेना पड़ेगा। यहाँ पर शॉप बहुत सारी हैं, वाइट चॉकलेट, ये है पान वाला पेठा, गुलाब लड्डू पेठा है, तो ये है रसभरी पेठा जो मैंने दिया है, सैंडविच पेठा, इस पर गरी वगैरह लगी हुई है, हाथ धोने की वजह से छुपा हो जाता है, तो उनके पास गुलाब लड्डू के अंदर आप हाथ साफ कर सकते। तो बेसिकली उन्होंने पेठा वगैरह ले लिया है, आपने भी ले लिया है, और आपको यहाँ स्ट्रीट फूड की सबसे बेस्ट चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, आगरा की मशहूर बिरयानी। आप लोगों ने लखनऊ की बिरयानी सुनी होगी, मुरादाबादी सुनी होगी, हैदराबादी सुनी होगी, दिल्ली वाली बिरयानी सुनी होगी, बट आपको आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा की बिरयानी। से हम लोग जा रहे हैं सीधा बस स्टॉप, और वहाँ से देखिए बस करेंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, सीधा जाएंगे फतेहपुर वहाँ से। तो अभी यहाँ ऑटो से उतर चुके हैं, अब यहाँ जा रहे हैं तीसरा बस स्टॉप, तीसरा बस स्टॉप से सीधा जाएंगे यहाँ से फतेहपुर। चाहे रामवीर सिंह, तो अगर कभी आप लोग आते हैं आगरा से फतेहपुर, तो इससे मिलिएगा, बहुत बढ़िया नेचर है और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देंगे, और कोशिश करिएगा कि इन्हीं के बस बैठे बुलंद दरवाजा। अच्छा देखिए, अभी भी देखिए नॉलेज दे रहे लगातार। अभी बस से हम लोग उतर चुके हैं, अभी सीधा जो है जाएंगे हम लोग बुलंद दरवाजे के लिए, क्योंकि यहाँ की नान खटाई बहुत ज्यादा फेमस होती है, आगरा का पेठा और फतेहपुर की नान खटाई। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग की बस यहाँ पर रुकी है, और बस रुकने के बाद अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ गुलाब शंकर गेट के नाम से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर है गुलाब शंकर गेट, बेसिकली अभी हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर का बस अड्डा, कौन सा बोला जाता है, बस स्टॉप फतेहपुर सीकरी का बस स्टॉप, इस बस स्टॉप का नाम क्या है? अच्छा, फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पर भाई आपको मिल जाएंगे, भाई का रेस्टोरेंट किस नाम से, उसका नाम बता दीजिए। नाम मेरा नाम इरशाद कुरैशी है, अजय रेस्टोरेंट के नाम से, अजय रेस्टोरेंट के नाम से भाई का रेस्टोरेंट है। और अगर आप लोग चाहें इन फ्यूचर अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अपना लगेज आप रखा सकते हैं, और यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए आप लोग स्नैक्स वगैरह जो चीज़ आप लोग खाना है, फूड वगैरह, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आइए, सेवा का मौका दीजिए एक बार। तो आपको मैं यहाँ मिला दूँ एक ऐसे भाई से जिनको मतलब यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम है, और वो आपको थोड़ा बहुत बताएंगे यहाँ पर। मेरा नाम मोहम्मद सवालिन है। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ का निवासी हूँ फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी में देखने के लिए सबसे स्पेशल जो जगह है वो है दरगाह। यहाँ लोग देसी विदेशी लोग घूमने के लिए और सारा करने के लिए आते हैं। अच्छा। यहाँ लोग विश करते हैं। अच्छा। विश करते हैं, मीठे विश प्रेड बांधते हैं धागे। अच्छा। धागे यहाँ मन्नत के लोग बांधते हैं। अच्छा। वन पर्सन थ्री विश कर सकता है यहाँ, और विश सीक्रेट रखते हैं, जो लोग अनमेरिड होते हैं वो विश सीक्रेट रखते हैं, जो लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं वो शेयर कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद बुलंद दरवाजा है, जो बुलंद के माने ऊंचा है, दरवाजा माने गेट है, जो वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है और एशिया का सबसे ऊंचा है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी इतने कम टाइम के अंदर, मैं इसको जरूर मतलब फ्यूचर करूंगा अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, सो थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमी सर। मोहम्मद समीर नाम है, जो एक फतेहपुर का, ये पूरा आपको जो है सारी चीज़ें बताएंगे, विजिट कराएंगे। तो अभी तुम क्या बता रहे थे, दो आ रहे हैं? हाँ, दो रास्ते हैं, एक तो इसका मार्केट से रास्ता है और एक यहाँ से रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके दो गेट है, एंट्री के लिए भी दो गेट है, एक बुलंद दरवाजा है और एक बादशाही दरवाजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग बादशाही दरवाजे से चलेंगे, जिस गेट से अकबर और अकबर की फैमिली जाया करती थी फ्राइडे के दिन। बुलंद दरवाजे से लोकल पब्लिक जाया करती थी, तो हम लोग बादशाही गेट से एंट्री करेंगे, बादशाही गेट से एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बादशाही गेट से एंट्री करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी का आपको अंदर में बताएंगे। अच्छा। बुलंद दरवाजे की एंट्री है और ये बादशाही गेट की एंट्री है, जिस गेट से हम लोग चलते हैं। ये बादशाही गेट की एंट्री है और ये बुलंद दरवाजे की एंट्री है, देख सकते हैं हमें बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं बादशाही गेट की तरफ। अच्छा, किंग गेट। ओके। कितना ऊंचाई है यहाँ पर, भाई सब आ रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। अभी हम लोग वहाँ से चल के आ रहे हैं, वहाँ उस जगह से। अभी देखिए कितने ऊंचे हम लोग को जाना है यहाँ से, तो थोड़ी थोड़ी देर अभी लोग सब लोग बैठे जा रहे हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आमिर भाई कैसे लग रहा है इतनी दूर चढ़ के? 15 मिनट बाद बताएंगे। अभी भाई कितनी दूर, कितनी देर तक चले होंगे अभी, थोड़ा अभी मुश्किल से कितनी देर हुई होगी आए हुए? 10 मिनट में देखिए टेढ़े हो गए। और अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे, अभी हम लोग को यहाँ से जाना है जहाँ पर हम लोग को मिलेगा किंग गेट। हाँ,
ओके ओके। यहाँ दो पार्ट है सर घूमने के लिए, एक फतेहपुर है और एक सीकरी है। अच्छा, ये पूरा फतेहपुर है जो मैं आपको विजिट कराऊंगा। सीकरी किले में लेसन गाइड जाएगा आपके साथ। ओके ओके। जंगल के पीछे टूटा फूटा जो बाउंड्री वॉल नजर आ रहा है ना सर, हाँ रेड वाला, हाँ तीन साइड सिटी वॉल, चौथी साइड पानी का लिए। अच्छा, अकबर ने इस बाउंड्री के अंदर 9 गेट दिए थे, 9 गेट आठ आम पब्लिक के लिए और एक अकबर के आने के लिए। अच्छा अच्छा। जिस गेट से बस पास हुआ बड़ा सा गेट अकबर के आने और जाने का गेट। अच्छा, बाकी 8 गेट आम पब्लिक के लिए। अच्छा अच्छा। ये इसका रॉयल गेट, बादशाही दरवाजा जिस गेट से अकबर और अकबर की फैमिली जाया करती थी। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जमा मस्जिद बनी है, वहाँ नमाज के लिए जाया करते थे। अच्छा। इसके अंदर एक दरगाह बनी है जो उनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती अकबर को उनकी दुआ से उनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ था सलीम। अच्छा। अकबर ने बेटे की खुशी में पूरा किला बनवाया। अच्छा। वहाँ आज भी धागे बांधते हैं मुरादों के लिए। अच्छा अच्छा। तो अभी हम लोग बादशाही गेट से एंट्री करेंगे, अंदर में शूज वगैरह अलाउड नहीं है। अच्छा। यहाँ चौकीदार बना हुआ है, चौकीदार के पास खोलेंगे, उसके बाद हम लोग बादशाही गेट से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि ये यहाँ पर कुछ दुआ हुआ मांगने की कोई जगह भी है जहाँ पर हम लोग तीन विशेष हम लोग मांग सकते हैं। तो अभी हम लोग को वो भी देखना है कि कहाँ पर विशेष मांगी जाती है। और ये तो मतलब ठान के आ रहे हैं कि तीन मांगेंगे, चौथी मांग लेंगे, अगर एक रिजेक्ट हो गई तो एक तो कन्फर्म मांग मान ली जाएगी। ठीक है, तो हमें शूज रिमूव कर देना रहेगा। शूज को हम लोग को रखना किधर बा? यही रखना, खोलना है। उन्होंने जूते उतार दिए लेकिन पैर बहुत जल रहे हैं। चले क्या? अकबर के नमाज पढ़ने की जगह फ्राइडे मोस्ट अकबर बादशाह नमाज की आया करते थे। ये इसका मेन गेट बुलंदरबाजा है, एशिया में इससे बड़ा नहीं है, वर्ल्ड में इससे छोड़ा नहीं है, हाई एशिया इन गेट। अच्छा अच्छा। अकबर ने एक जंग जीता था गुजरात अहमदनगर चांदबीबी सुल्ताना से। अच्छा। उसकी खुशी में इस बुलंदरबाजे को बनाना शुरू करा था, 1601 में बनाना शुरू करा था, 1602 में कंप्लीट कर दिया था। अकबर की पहली राजधानी दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, अजमेर से यहाँ। अजमेर में जो दरगाह है ना ख्वाजा गरीब नवाज की, ये उनके पोते हजरत शेख सलीम चिश्ती। जो वाइट वाली है? जी वाइट वाली। अच्छा अच्छा। अकबर बादशाह अजमेर भी गए थे लेकिन अकबर बादशाह को अजमेर से भी मन हो गया था। सातवीं बार अकबर को अजमेर से हुक्म हुआ, अकबर तुझे औलाद मिलेगा हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से मिलेगा, फतेहपुर सीकरी में फाड़ी इलाके पे रहते हैं। फिर अकबर बादशाह तीनों भाइयों को यहाँ लाए, बाबा की दुआ से महारानी जोधाबाई से इंदू बाई से बेटा पैदा हुआ जो इनके नाम पे नाम दिया सलीम। बाबा ने बोला था जो बेटा होगा पहले मेरे नाम पे नाम देना होगा, उसके बाद शेखू बाबा महारानी जोधाबाई बोलती थी प्यार में। राजगद्दी पे जो नाम दिया जहांगीर, जहांगीर में जाका बादशाह, इसलिए अकबर ने बेटे की खुशी में पूरा किला बनवाया। 1570 में बनाना शुरू करा, 1582 में कंप्लीट कर दिया। 1572 दरगाह के अंदर आज भी जो भी मुरादे करते हैं ना सर, सच्चे दिल से सच्चे मन से आज भी मुरादे पूरी होती है। जॉब का, बिजनेस का, पढ़ाई का, लिखाई का, फैमिली की सलामती के लिए आज भी पूरा। अच्छा। दरगाह के अंदर जाते हैं ना सर, दरगाह के अंदर रुपया, पैसा, सोना, चांदी नहीं मांगते हैं, कोई फकीर नहीं बैठता। यहाँ कपड़े की चादर का दान होता है, जो आपकी खुशी आपका मन हो तो चढ़ाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अंदर में चढ़ाते हैं पहले कपड़े का चादर, उसके ऊपर राइट हैंड से फूल डालते हैं, कोई धागा वगैरह बांधना चाहे मुराद के लिए। अपनी चादर से टच करने के बाद अंदर में जाली बनी हुई 3 साइड, उसी भी जाली में धागा बांधते हैं। एक धागे पे एक बंदा 3 मुराद करता है, मुराद जो भी करते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डिसाइड करते हैं, अलोन अनमेरिड सीक्रेट दिल के अंदर रखते हैं, बताते हैं। मुराद पूरी हो जाती है बाबा की दुआ से, धागा खुलना आना चाहे दरगाह के अंदर आते हैं, नहीं आना पड़ता है, छाते रहते हो बाबा का नाम लेके, दो गरीब फकीर लोगों को आप खाना खिलाते। मतलब अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो आप मतलब धागा बंधा रहे थे, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो आके धागा आपको वापस खुलना पड़ेगा। खुलना चाहना चाहे आ सकते हो। हाँ। अगर आपकी मुराद पूरी हो जाती है आप खुलना आना चाहे आ सकते हो, नहीं आना पड़ता है, जहाँ कहीं रहते हो बाबा का नाम लेके दो गरीब लोगों को खाना खिलाते। अच्छा। और ये सारी समाधि है
जब हम यहाँ से चलेंगे जितनी भी आपको अंदर सामाजिक दिखेंगे वो सारी लेडीजों की है। लेडीजों की है आज जितनी भी है, जेंट्सों की है सारी। अच्छा, ये जो जितनी भी ये कपड़े दिख रही हैं जी, सब सब लेडीज की हैं जी। ये जेंट्सों की है बाहर, अंदर जितनी भी दिखेंगी लेडीज और भी है। अच्छा, पहले लेडीज लोग पर्दे में रह करती थी इसलिए अंदर बनाएंगे। अच्छा अच्छा, और ये जमाने के 83 रूम है। अच्छा, जो यहाँ पढ़ाई चलती थी, पढ़ाने वाले का नाम था अबुल फजल फैजी। अच्छा, आईने अकबरी किताब निकाला था, 3 साइड बंद हो गया, चौथी साइड चलता है आज भी, जो लॉकडाउन से पढ़ाई बंद हो चुका है। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, पहले मैं आपको सुरंग दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद 70 का पुलर फिर चलते हैं। ठीक है, तो अभी समीर भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग सुरंग देखेंगे पहले अनारकली का। अच्छा, अनारकली की सुरंग यहाँ पर। अनारकली का सुरंग है, जो अनारकली एक दासी की लड़की थी। अच्छा, अकबर का जो लड़का नहीं था सलीम, उससे मोहब्बत करती थी अनारकली। अच्छा अच्छा, अकबर को ऐसा पसंद नहीं था, मेरा लड़का एक नौकरानी से मोहब्बत करती थी, इसलिए यहाँ से निकलवा दिया गया। बाकी का मैं आपको सुरंग के पास है। ओके, तो अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सब लेडीजों की कब्र है, और जिसके बारे में समीर बताए, आप देख सकते हैं ये लाइन से यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं जो गैलरी के अंदर हैं। बाकी जो बाहर जितनी भी कब्रें दिख रही हैं ये सब जेंट्स की हैं, जितने भी जेंट्स होते थे उन सब की कब्रें। बाकी जितनी भी लेडीज यहाँ पे, और ये सब आप कब्रें देख सकते हैं, ये सब लेडीज़ की हैं। हाँ समीर, आप कहाँ चलना है? ये सब कब्रें हैं। ये सब कब्रें हैं जो लेडीज की हुआ करती थी। ये नॉर्मल जो यहाँ पर लोग रहा करते थे उन सब लेडीज की कब्रें हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैं अभी इधर से आ रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग आ रहे हैं, और लाइन से सिर्फ कब्रें कब्रें हैं, और जितने भी आपको कब्र दिख रही हैं अंदर साइड में, इस साइड वो सारी कब्र लेडीज की हैं, जो बाहर साइड की जो कब्रें थी वो जेंट्स की हैं। तो अभी समीर भाई हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? नहीं है जी, अभी मैं आपको सुरंग के बारे में बताता हूँ। हाँ, जो ये सुरंग, ये इसका जो रास्ता गया ये जी। अच्छा अच्छा, ये अनारकली का सुरंग है। आपने एक मूवी देखा होगा, हिंदी मूवी मुगले आजम। हाँ, जो अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था, उसको चुनवा दिया गया था। ये रास्ता है पीछे का, यहाँ से निकलवा दिया गया था। यहाँ से 3 जगह जाता है, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से दिल्ली फोर्ट, दिल्ली फोर्ट से लाहौर पाकिस्तान। ये अंदर से और बीच बीच में से ये टूट चुका है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अकबर का जो लड़का सलीम, उससे मोहब्बत करती थी अनारकली। अकबर को ऐसा पसंद नहीं था, मेरा लड़का एक नौकरानी से मोहब्बत करे, इसलिए यहाँ से निकलवा दिया। और जो सामने नज़र आ रहा है ना आपको, हाँ, वो पत्थर के कूलर है, नेचुरल एसी। पत्थर के कूलर है, चकोर चकोर जो नज़र आ रहा है, पास चल के देख सकता हूँ? देख सकते हो, अभी मैं दिखाता हूँ पत्थर के कूलर। समीर आ जाना ज़रा, बताना ज़रा इसके बारे में। तो आप ये जब देख रहे हैं, यह है पत्थर के कूलर, तो यहाँ से हवा आती है जी, यहाँ से हवा। अरे देखो, इसमें से हवा आ रही है, एक्चुअल में हवा आ रही है। इसके पीछे मोती झील बनवाया है। अच्छा, वो झील पहले भर रहा था, लेकिन अब झील सूख चुका है। हाँ, किसान लोग करते हैं खेतीबाड़ी। अच्छा, जैसी झील में बचती है वैसी टकरा के नीचे आती है। अकबर की 3 पाइप, तीनों पाइपों के लिए अकबर ने अलग अलग कूलर बनवाई, एक ये है। हाँ, और एक ये बीच में बनवाया है। एक ये देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक वो लास्ट, ये सब कब्रें हैं, और एक यहाँ पर ये कूलर बना हुआ है, एक ये देखिए ये बना हुआ है, और एक मेगल से वो सामने है, आप देख सकते हैं। ये सब टोटल यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि पहले के ऐसे इंजीनियर थे कि मतलब ऊपर से हवा स्टोर होती है और यहाँ पे आती है, एक तरीके से कूलर बोल सकते हैं, और इसमें मैं हवा को फील कर सकता हूँ हाथ से, यहाँ से यहाँ प्रॉपर तरीके से हवा आ रही है जी। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, रास्ता आइए, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी कब्रें हैं लाइन से, आप देख सकते हैं। हाँ बोलो, मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो है दूसरी गैलरी में एंट्री की है, उसको उससे निकल के फिर हम लोग दूसरी गैलरी में आए। अब लोग आप कहाँ लेके जाएंगे आप? अभी मैं आपको मोती झील दिखाता हूँ, जो यहाँ से दिखता है, पीछे का व्यू बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने आपको बताया ना, पीछे झील बनवाया मोती झील जी, उसको बने रहे। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ मोती झील, और वहाँ की स्पेशलिटी समीर बताने वाला है कि वहाँ की क्या स्पेशलिटी। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहे, प्रॉपर तरीके से देखें, इसके बिल्कुल मत करें, बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। अभी हम लोग गैलरी में चल रहे हैं, अभी मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह दिख रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ।
आपको दिखाया तीन साइड सिटी बोल बताया उसके बारे में। हाँ। चौथी साइड ये पानी का लेक, पानी का लेक सूख चुका है, किसान लोग करते हैं खेतावाड़ी। अच्छा अच्छा। इसको लड़ाई का मैदान भी बोला जाता है। 1527 में बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। बाबर ने जंग जीतने के बाद इस किले को फतेह किया, विक्ट्री जीतने के बाद फतेहपुर किया। इसके पीछे पुराना गांव सीकरी, कमाइन में फतेहपुर एंड सीकरी बोला जाता है। दिल्ली में जो आपको टावर नजर आ रहा है ना, वो एलिफेंट टावर अकबर का खून आती है। जोधाबाई के भाई ने दिया था मान सिंह ने उसके देश में। जो कोई गुनेगार होता था पैर पे रखकर मार देता था, जो कोई निर्दोष होता था सूल से सूंघ के छोड़ देता था, यही फैसला करता था। अकबर के टाइम में अदालत वगैरह नहीं था। अकबर के टाइम में सोने और चांदी के सिक्के बनते थे। कोई मंगवान हो भिजवान हो, कोई मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे सर। यू जमाने के पोस्ट ऑफिस यहाँ से कबूतर सिट्टी लेकर जब जाया करते। अच्छा, ये कबूतरों के बैठने के जो सुराग बने हुए हैं, कबूतर भी पले हुए, कबूतर के बैठने के सुराग है। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। शहंशाह अकबर को उनकी दुआ से महारानी जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ था, वहाँ चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर के बने हुए कुछ चौकी वगैरह, हाथी के पेट के अंदर हाथी है, अपने हाथ से कटिंग करके बनाया हम लोगों ने। अच्छा, हाथी के पेट के अंदर हाथी है, रियल मार्क। प्राइस क्या होगा? 250 रुपीज़, 250। ओके, मतलब इसके अंदर जो है एक और टर्टल बना हुआ है। ओके ओके। ये हमारा फैमिली वर्क है, हमारे फैमिली के लोग गांव में बनाते हैं अपने आप से। अच्छा 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 अच्छा। ओके, तो यहाँ पर सब लेडीज सामान वगैरह मिल रहा है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सब, ये इनका मतलब एंटिक है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन से मैंने कपड़े दिखाई थी, वो पूरा एरिया यहाँ पर उसके जस्ट अंदर उसी गैलरी के अंदर भाई ये सेल कर रहे हैं। एयरिंग्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर जो एक तरीके से हिस्टोरिकल टाइप की हैं। आप देख सकते हैं ये स्टोन के आपके क्लिप हैं, बालों में जो यूज़ होते हैं, पूरा स्टोन के मार्बल के बने हुए हैं। बांध लिया है क्योंकि आपको बहुत दरगाह में जाने से पहले, पीछे दरगाह दिख रही है, यहाँ पर जाने से पहले या फिर टोपी आपके पास हो या फिर कोई रुमाल हो तो आप यहाँ बांध लें, उसके बाद भाई यहाँ पर हाथ धुलवा दें, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो अभी पैर चल रहे हैं बहुत तेज और हम लोग जा रहे हैं मज़ार के अंदर, और पैर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं क्योंकि जूता वगैरह यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर चादर वगैरह मिलती है, वो मैं आपका प्रोसीजर बताऊंगा कैसे क्या हो सकता है। फिलहाल अभी मैं जाके अंदर का दिखाता हूँ। अंदर में जाते हैं ना, ऐसे लोग चादर छुड़ाते हैं। अच्छा। और अंदर में जाली बनी हुई है, जालियों में धागे बांधते हैं। अच्छा अच्छा। ये जाली बनी हुई है बाबा की, यहाँ जालियों में धागे बांधते हैं। अच्छा, यहाँ ये जाली में धागे बांध सकते हैं। ये तीन साइड जाली बनी हुई है, इधर भी है और इधर भी बनी हुई है। अच्छा, तो अंदर बेसिकली आप देख रहे हैं ये यहाँ से एंट्री है मज़ार की, और इसके चारों तरफ आपको कुछ ऐसी जालियाँ नज़र आ रही हैं, इस तरीके की जालियाँ हैं जिसमें अंदर से आपको चादर मिलती है, तीन तरह की, छोटी, मीडियम और उससे बड़ी, कैसे ही आप लेना चाहें, बड़ी अली फैमिली के से रिलेटेड आप सोच के विश कर सकते हैं। और ये ताकि धागे इसमें दिख रहे हैं, ये सब ने धागे बांधे हुए हैं, बात से दिखा दूँ, ये सब धागे बांधे हुए हैं। और धागा बांधने के बाद सिर्फ आप तीन दुआ, तीन विश मांग सकते हैं, तीन दुआ कर सकते हैं अपने लिए, तीन ख्वाहिशें पूरी मांग सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप नहीं बता सकते, अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ को बता सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ तीन विशेज आप यहाँ पर मांग सकते हैं, और जब तक पूरी नहीं होती तब तक किसी को बताते नहीं, ऐसा है ना समीर? जी जी, ये सही। तो अभी देखिए शायद कैमरा अलाउ ना करे, वैसे मैं लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर मज़ार के पास, सब बता देगा। अस्सलाम वालेकुम।
बाहर निकल चुका हूँ, सीधा मैं जा रहा हूँ सभी के पास। सभी मुझे बताएगा कि आगे कहाँ जाना है, पीछे मैं जा रहा हूँ। ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग तीन ख्वाहिशें मांग सकते हैं। और जो मेरे पीछे जो मज़ार देख रहे हैं, ये हज़रत शेख चिश्ती जी की मज़ार है। मतलब इन्हीं की वजह से, इनकी दुआ से अकबर को सलीम पैदा हुआ, सलीम पैदा हुआ, जो अकबर ने अपने बेटे की खुशी में ये पूरा किला बनवाया। अब हम लोग समय कहाँ चलेंगे? अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से बुलंद दरवाजा, ये लास्ट पॉइंट आप बुलंद दरवाजा देखेंगे, फिर इसके पीछे सीकरी किला, वहाँ पर आप विजिट करने के लिए जाएंगे। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा बुलंद दरवाजा, और हम लोग को ट्रैक पे चलना पड़ेगा। ट्रैक देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर ट्रैक में नहीं चलेंगे तो पैर बहुत बुरी तरह जल जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। और यकीन माने जो उसके ऊपर बिछा हुआ है, कोई कारपेट टाइप की बिछी है, ये भी बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अगर पत्थर पर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जा रहे हैं इसके मैट के ऊपर चल के सीधा बुलंद दरवाजे की साइड में, आपको बैग के अंदर देखूँ तो ये कारपेट टाइप की बिछी हुई है, और इसके ऊपर ही चलना पड़ेगा क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। मार्बल यहाँ से अभी आप ये देखेंगे, ये इसका मेन गेट बुलंद दरवाजा है। इसका जो हाइट है ना, इसका जो हाइट नीचे रोड से ऊपर टॉप था 176 का, इसका हाइट है 176 फीट। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से 134 फीट का हाइट है। 90 फीट सर इसका आर्च है, तीन साइड इसके राइट ही और कुरान लिखा हुआ है। अच्छा। सेम नकल इसकी ताजमहल पे, ताजमहल से ये 100 साल पुरानी जगह है सर, पहले ये बनाता उसके बाद ताजमहल बनाता। ये है ना सर अंदर से, ये अंदर से खाली एम्प्टी होलो, पिलर वाइज सपोर्ट, पिलरों के अंदर ये टिका हुआ है। कॉमन इसकी सीढ़ियां सर 52 स्टेप चढ़ने से। अच्छा। ये सामने काले काले डोम है, शाही हमाम में स्नानघर, नहाने धोने की जगह। अच्छा अच्छा जी। अभी इसके लिए को आपने विजिट कर लिया है सर, अभी चलेंगे हम लोग बाहर गेट किला है सीकरी, वहाँ आप लोग विजिट करेंगे। ओके ओके, ओके प्लीज कम। तो बुलंद दरवाजे के अंदर के जस्ट नीचे खड़े होकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर सेल किया जाता है, लेडीज सामान है और सारी चीजें, पुरानी चीजें, जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जैसे पहने ज्वेलरी होगी पुरानी, और जो है और भी चीज़ हो गई, और तरह के पर्स हो गए और बैंगल्स वगैरह हो गए, तो हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाइन से दुकानें, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह की लाइन से दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, जहाँ अभी हम लोग वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से सेमिर हम लोग को बता रहा था। और इसके अंदर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, ये बुलंद दरवाजे के जस्ट नीचे मैं खड़ा हूँ, यह है बुलंद दरवाज़ा, और उसके जस्ट नीचे खड़ा हूँ, और उसके जस्ट नीचे छोटी सी ये मार्केट टाइप की लगी है, जहाँ पर आप लोग नेकलेस वगैरह, पर्स वगैरह, खाने की चीज़ें और शोपीस वगैरह यहाँ परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैंने उससे बोला समीर से कि मुझे थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करवानी है, इसमें ये दरवाज़ा आ जाए बुलंद दरवाज़ा, तो उसने मुझे चप्पल अरेंज करवा दिया, तब मैंने चप्पल पहनी, अभी मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ, यहाँ फोटो खिंचवाऊँगा। ये लो समीर, मैं समीर को चप्पल समीर के वापस कर रहा हूँ, समीर ने चप्पल मैंने ली थी। समीर हम लोग कहाँ चलेंगे? अभी हम लोग वापसी गेट पे चल रहे हैं, जिस गेट से आए थे, जिस गेट से हम लोग आए थे उस गेट पे वापस जा रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट बुलंद दरवाजे के नीचे खड़ा हूँ, लोग यहाँ पे थे, और इसके ये देख रहे हैं बुलंद दरवाजा, उसके अंदर कितना बड़ा एक एरिया बना हुआ है पूरा प्रॉपर तरीके से, ये है प्रॉपर बुलंद दरवाजा सेंटर, आप देख सकते हो ये बुलंद दरवाजे का बिल्कुल सेंटर है। हाँ समीर अब चला जाए, सिंगल सिंगल ये माइक लगा। तो सीन ये हो गया था कि अभी मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था, और अचानक से सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो अभी जो है एक सिक्योरिटी गार्ड आया था, उसने जो है मेरा जो है माइक देखा, जिसमें मैं ट्राइपॉड में माइक वगैरह सब गोया का लगाए हुए हूँ, मतलब तगड़ा वाला, जिसमें पफ वगैरह लगा रहता था, तो उसने बोला कि अब अगर आप माइक देख लिया सर आपके पास, और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो फाइन लग जाएगा। और एक कोइंसिडेंट बहुत बड़ा वाला है कि मतलब पूरा हम लोग घूम चुके हैं, जी जी लगभग पूरा हम लोगों ने घूम लिया है, सब पूरा घुमा दिया है, उसके बाद वो बंदा मुझे मिला, पूरा विजिट करने के बाद वो बंदा मिला था, उन्होंने बोला था आप माइक को हटा दीजिए, हमने बोला था उनसे अब हम वापसी गेट जा रहे हैं, तो वो हमसे पता क्या बोल रहे थे, ज्यादा ज्ञान मत दो। वो दिखा रहा है एक तरह से बंदा, वो बंदा है मतलब सही भी है, लेकिन जब उनको पता चला है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तब उनको ड्यूटी नहीं दिखानी चाहिए, तो वो बंदे एक तरीके से अपनी ड्यूटी दिखा रहा था, तो देखो मैं 100% दे रहा हूँ ड्यूटी में, बंदा भी सही था, लेकिन जो है बस ये है उसने, उसको अगर हमने बोला था कि हम लोग अब बाहर जा रहे हैं तो उसको भावनाएं समझ जानी चाहिए थी। खैर कोई नहीं, मेरे पास सेकेंड ऑप्शन था,
जैसे कि मैंने ताजमहल में इससे पहले वाले ब्लॉक में गया था, तो वहाँ मैंने स्टिक परचेज कर ली थी, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर कि ट्राइपॉड अलाउ नहीं करता, बस स्टिक वहाँ पे अलाउ करते हैं, तो इसलिए मैंने ये परचेज कर ली थी। और एक थोड़ा सा सबसे गड़बड़ मामला ये है कि हम लोग के बार्टर बार बार खो जाते हैं, क्योंकि बार सबको ढूंढना पड़ता है, बार सबको इकट्ठा करना पड़ता है, तो हम लोग वेट करें कि आए तो हम लोग आगे बढ़ें, वरना वो लोग फिर से खो जाएंगे यहाँ पर। और मैं यहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लोग पीछे बैठे हुए हैं, सुकून से सब एक स्टेप छाए में बैठे हैं, धूप बेशक से बाहर है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एकदम ठंडा है, यहाँ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर यार समीर, एक मैंने सुना है कि यहाँ पर हवा महल थे, यहाँ पे हवा महल जो जयपुर के अंदर बना, जयपुर के अंदर बना, यहाँ कोई हवा महल। अच्छा अच्छा, तो हवा महल जयपुर में। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, मोहब्बत ऐसी बनी रही, तो एक दिन इंशाल्लाह जयपुर भी जाएंगे और जयपुर में आपको हवा महल भी दिखाएंगे। बट पहले सबसे पहले इसको सपोर्ट करिए प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद आपको फिर आगे के सीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यार सबसे ज़्यादा डर तो मुझे ये लगता है इधर बाहर जाने में, क्योंकि यहाँ पर चप्पलें हैं नहीं, और चप्पलें ना होने की वजह से यहाँ जो है पैर बहुत ज़्यादा जलते हैं। यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं, जहाँ पर शूज़ हमने रिमूव किए थे, वहाँ पर शूज़ रिमूव किए थे, तो यहीं से जाकर यहीं वापस आ गए। क्यों समझ, यहाँ से ट्रिप यहाँ की ख़त्म, तो बोलते बुलंद 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 दरवाजे की ट्रिप ख़त्म है, बुलंद दरवाजे की ट्रिप, जयपुर की ट्रिप ख़त्म। अभी आप सीकरी किले में जाएंगे, सीकरी किले में। एंड द सेकंड थिंग इज, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, ये है अपने समीर भाई, जो कि अगर आप लोग को यहाँ पर फतेहपुर आते हैं और फतेहपुर में आपको अगर यहाँ का किला देखना है प्रॉपर तरीके से, अच्छे मूड के साथ, बढ़िया एक एक चीज एक्सप्लोर करवानी है, तो अपने समीर भाई को कॉन्टैक्ट करिएगा। समीर का नंबर तुम बता सकते हो, नंबर बता दो क्या है, 9060 7400 मैं स्क्रीन पे नंबर डाल दूंगा। अगर आप लोग कभी भी यहाँ फतेहपुर आते हैं तो भाई से जरूर कांटेक्ट करिएगा, मतलब बहुत बढ़िया नेचर का बंदा है और बहुत हंसी मजाक करता है, प्लस जो है एक एक चीज डिटेल बताता है, बहुत मतलब रहता सीरियस है लेकिन बातें एकदम तफरीली बताता है, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो इससे जरूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो बेसिकली ये रुमाल मेरा बाबा उड़ा जा रहा है, इसको सही कर लो। तो बेसिकली क्या सीन है, हम लोग ने यहाँ के फतेहपुर के जो किला था, ये क्या नाम था, गेट का नाम क्या था, बादशाही गेट जिसको हम लोग बोलते हैं बुलंद दरवाजा, तो उसका ट्रिप आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे सीकरी, वहाँ पर क्या स्पेशल है, जोधाबाई का महल, पंच महल, चार चौहान, दीवाने खास, दीवानियां, काफी बड़ी बिल्डिंग बनी और अच्छी भी। देख रहे हैं क्या क्या नाम बता रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज आप लोग देखने वाले हैं, तो प्लीज इसको अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी ब्लॉग अपलोड करूं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इसके बाद को और भी ब्लॉग अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और इससे पहले आगरा के ट्रिप में डाल चुका हूं, आगरा के तीन अप्रॉक्सिमेटली 3 ब्लॉग आ चुके हैं, ये तीसरा ब्लॉग होगा आगरा टू फतेहपुर, और इसके बाद यहाँ से सीधा जाएंगे सीकरी के लिए। तो अगर मेक श्योर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मैं फिर से बोल रहा हूँ उसके पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे इसके बाद वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आप लोग को आगे देखना है तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।